इस बाइक को जो आपने बायोमेट्रिक्स की डेट मिली है वो मिली है 14 अक्टूबर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पुर्तगाल के जो नए रूल्स हैं और वो इमिग्रेशन के ऊपर बात होने लगी है और ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अभी पुर्तगाल क्या करने वाला है और जैसा कि इमिग्रेशन अभी बंद है तो ये कब ओपन होगी और एक एक चीज आपको बताने लगा हूँ। बहुत ही ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है और पुर्तगाल में लोगों को ईमेल आना अपने फिंगर्स के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए वो भी आना स्टार्ट हो गया। एक एक चीज बताता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जब आप मैसेज करते हैं अपना क्वेश्चन भी साथ ही पूछा करें और आजकल यार एक आध मैसेज ही पूछा करें क्योंकि आपके पीछे बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो प्लीज मुझे सबको रिप्लाईज देना होता है। तो ख्याल रखा करें मेरे टाइम्स का भी और दूसरों के टाइम्स का भी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पुर्तगाल ने कल एक पोस्ट किया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि हाँ हमने ये जो इमिग्रेशन बंद किया वो टेम्परेरी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये आप पोस्ट खुद भी देख लें, मैं ऊपर लगा भी दूंगा कि ये पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रेजिडेंट हैं। तो जनाब इन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मार्सेलो साहिब ने, कि ये जो हमने इमिग्रेशन क्लोज किया है ये टेम्परेरी की है। और क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे 3,90,000, मतलब कि आप 4 लाख पूरे ले लें कि 4 लाख लोग हैं जो कि पेंडिंग में हैं, जिनके केस पेंडिंग में हैं, जिनके फाइल्स पेंडिंग में हैं और जिनके रेजिडेंस कार्ड वगैरह का प्रोसेस अभी पेंडिंग में है। तो जो ही वो क्लियर होगा तो हम इमिग्रेशन को दोबारा ओपन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्लीज मैं आप लोगों को वार्न कर दूं कि आप लोगों को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पता क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता पुर्तगाल से लोग निकलना स्टार्ट हो गए हैं और ये पुर्तगाल में लोगों को रोक के रखना चाहते हैं ताकि लोग इधर उधर ना चले जाएं। ऑब्वियसली कोई भी इंसान तो यहाँ पे नहीं रहेंगे ना। आप खुद सोचिए, अगर आप पुर्तगाल में पेपर्स के लिए आए हुए हैं और पेपर्स मिलना ही बंद हो जाए तो क्या आप स्टे करेंगे? तो ये आपको रोक के रखना चाहते हैं। तो एजेंट लोग भी यही चाहते हैं, वो आपको दिलासे देते रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक स्टोरी भी सुनी एक इंडियन भाई की, उसके साथ अलग ही किस्म का एक फ्रॉड चीट हो गया। तो यार यहाँ पे लोग आपको बिठा के रखना चाहते हैं और पुर्तगाल में आपका ऐसे बैठना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट है और मनी ज़ाया करना है, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ आप प्लीज़ ना करें, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन अभी ओपन कब होगी? क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये आसान लफ्ज़ों में और हकीकत में आप लोगों को बता दूं, इनकी कोई नहीं सुनी जाती। सेलो साहब अभी बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, इनकी अभी बातें कोई नहीं सुनता। जैसे कि समझ लें हमारे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं कुछ लोग जो जिनका कहीं पे कोई नहीं चल रहा होता, वो कोई ना कोई सोशल छोड़ देते हैं ताकि हमारे लोग उसके ऊपर रिएक्ट करें। तो ये सीन वही है, ये आपको एक एग्जांपल थी समझाने के लिए, क्योंकि ये इंसान तो बहुत अच्छे हैं, ये जो उनसे ना मार्सेलो साहब हम लोगों से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन अभी इनका सिक्का नहीं चलता यार। तो ये हकीकत है, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे आपको फायदा होगा। तो प्लीज आप हकीकत को माने, चाहे हकीकत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जब आपको पता होता है ना कि हाँ यार ये चीज है, ये पहाड़ मैंने चढ़ना है और इतनी मुश्किल से चढ़ना है, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इस वजह से ये मार्सेलो साहब है तो बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती भी दे, लेकिन इनकी बात अभी सुनने वाली जाने वाली बिल्कुल नहीं है। आप मेरे पीछे वो बंदा देख रहे हो पोस्टर पे, शेगा पार्टी का है, उसका पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है, ये सारा काम इस बंदे का है और इसको आजकल सुना जाता है, माना जाता है और इसकी बात को बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये हम इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करता। हर जगह पे पुर्तगाल में, यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, इसके पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, शेगा पार्टी, मतलब कि हाँ भाई हम इमिग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं, हम इमिग्रेंट्स के लिए नए नए रूल टाइट करना चाहते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए लेके आना चाहते हैं जिससे लोग वर्क परमिट पे आए, जॉब सीकर पे आए, लेकिन इलीगल वे से ना आए। तो इस वजह से यहाँ पे रूल्स अभी बहुत ही ज्यादा टाइट हो गए हैं। इमिग्रेशन को दोबारा ओपन होने में तकरीबन 4-5-6 महीने भी लग सकते हैं। तो यार अगर आप 5 महीने यहाँ पे रहेंगे तो समझ लें आप जलीलो हवार हो जाएंगे। तो यार अगर आपकी कहीं पे भी और सेटिंग बनती है तो आप बना सकते हैं, स्पेन में आप पद्रोनामेंट करवा सकते हैं, जैसा कि मेरे कजन है, हम उनके पद्रोनामेंट करवाने भी वाले हैं, मैं लाइव आपको एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि स्पेन में भी आपको इमिग्रेशन मिल जाती है, थोड़ा प्रोसेस उसका लंबा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन पुर्तगाल और स्पेन दोनों ही हार्डेस्ट कंट्री हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि यही पे हम लोगों को पेपर्स मिलते हैं और इसी वजह से हम लोगों को धक्के शक्के भी खाने होते हैं, लेकिन पुर्तगाल में फिलहाल इमिग्रेशन ठीक ठाक महीने ही क्लोज रहेगी। मेरी दुआ है कि जितनी जल्दी हो सके इमिग्रेशन ओपन हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों के धंधे वगैरह भी बंद हो गए हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम हर बंदा ही करता है, यहाँ पे लोगों के ऑफिस हैं, बेचारे अगर नए लोग ही नहीं आएंगे उनको भी
ठीक ठाक दचका लगेगा, क्योंकि नए लोग जब आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, और इवन यहाँ के जो वकील है ना उनकी भी लग गई समझे, सबके साथ मोहमोई हो गया। पुर्तगाल में नए लोग आएंगे तो पुर्तगाल भी चलता है, यहाँ के लोग भी चलते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप लोग यहाँ पे स्टे करें, क्योंकि यार यहाँ पे आप स्टे करेंगे तो आपका खर्चा ही खर्चा होने वाला है। यहाँ पे कुछ एजेंट लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि यार बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक बंदा मिला था, उसने 650-700 यूरो किसी बंदे को दे दिया और उसने कहा मैं आपकी फाइल ला करवा दूंगा, 5-6 दिन बाद इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, आप लोग पैसे कमाएं लेकिन एटलीस्ट प्लीज किसी के साथ धोखा शिकारी करके मत कमाए, ठीक है? आप डंके की चोट पे रखे, हाँ भाई इतने पैसे हैं, ठीक है ये काम मैं आपका कर रहा हूँ, आपको इतनी पेमेंट देनी है, लेकिन जब आप लोगों को गलत यूज करते हो, इमिग्रेशन ही ओपन नहीं है, तो आप कहाँ पे उसकी फाइल ला करवाओगे यार, खुदा के लिए आप ऐसा तो मत करो यार। देखिए अभी पुर्तगाल हो सकता है ये 4 महीने के अंदर अंदर ये जो 4 लाख पेंडिंग केस है इनको बहुत जल्दी रिकवर और कंप्लीट कर देगा। ये जो 4 लाख पेंडिंग केस है इसी वजह से पुर्तगाल ने ये इमिग्रेशन भी बंद किया, क्योंकि इनसे चीजें अभी कवर नहीं हो रही थी, और पुर्तगाल 3 से 4 महीनों में ये सारे केस हैंडल कर लेगा। और इसी वजह से देखें अभी लोगों को ईमेल आना स्टार्ट हो गई है, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये एक मेरे दोस्त है इंडियन के ही हैं ये भी, ईशान खान भाई। तो जनाब इनको अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट भी मिल गई है, ये आप खुद भी देख लें कि 20 नवंबर 2022 को इन बाइक की फाइल लॉक हुई थी और इनको जनाब बायोमेट्रिक्स की डेट भी मिल गई है। इस बाइक को जो आपने बायोमेट्रिक्स की डेट मिली है वो मिली है 14 अक्टूबर 2024 को, मतलब कि अभी हैं 4 महीने हैं इसकी फिंगर की डेट आने में, और इसको मिली है सेतुबल में। और यहाँ पे लोग अभी बहुत अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सलमान हमें इस वाली सेफ में आईमा में नहीं जाना, क्या हम चेंज कर सकते हैं? यार मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करता, ऑफिसली आप चेंज तो कर सकते हो लेकिन फिलहाल जो आपको मिल रहा है ना वो रख लो आप, क्योंकि अभी प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नए लोग तो आ ही नहीं रहे, तो आप ही के लोगों के ऊपर वर्कआउट होगा। एक अच्छा काम पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने अभी किया है, स्टार्ट कर दिया है कि लोगों को लिस्बन में और जहाँ पे लोजा दे सिदादो भी होगी और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स हुआ करेंगे, उन्होंने छोटे छोटे आप लोगों के लिए डेस्क बना दिए ताकि थोड़ा सा प्रोसेस और स्पीड अप हो जाए और जितनी जल्दी हो सके ये जो 4 लाख लोग हैं इनको कवर किया जाए। आपको भी अपनी फिंगर की डेट पुर्तगाल में आ गई है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑफिसली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी आपकी अपनी है, अगर आप चेंज करेंगे तो इसमें आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये भी क्वेश्चन आया अगर हम चेंज करेंगे तो क्या उसके और देर बाद हमें अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट मिलेगी या पहले, तो ये तो डिपेंड करता है उन ऑफिस वालों पे या पुर्तगाल की गवर्नमेंट पे कि उन्होंने दोबारा आपको कौन सी डेट प्रोवाइड करनी है, ये कोई इंसान या कोई वकील आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो प्लीज आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और कोई भी फालतू मत लेना प्लीज, पीसीसी का भी नहीं, आपके पास अभी टाइम है यार। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि परिस्ट रूल वालों उनको भी बायोमेट्रिक्स की डेट आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लेट आ रही है उनको, लेकिन कोई बात नहीं, इससे एटलीस्ट आपको पता तो चल गया ना कि हाँ भाई हमारी डेट फिंगर की फलां टाइम है, तो आपके पास भी टाइम है अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी करने का। और ACT पेपर आजकल वो आप लोगों से मांग रहे हैं, ACT पेपर आपको कहाँ और कैसे मिलता है, मैंने एक हफ्ता पहले आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को अपना ACT पेपर दिखाया है, वो भी एक हिसाब की डिक्लेरेशन ही होती है जो कि आपको अपने बॉस से मिलती है या अपनी कंपनी से मिलती है। और पुर्तगाल में अभी इमिग्रेशन बंद हुई है तो यहाँ पे अभी हालात बहुत नॉर्मल होने लग गए हैं और यहाँ पे रश भी कम होने लग गया है जनाब, यहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्यों रुकना है जब यहाँ पे कोई चीज ही नहीं आपको मिलेगी, तो रुकना बहुत बेफजूल है यार। पुर्तगाल में इमिग्रेशन तो बंद हुई लेकिन इसका फायदा होगा जिन लोगों की फाइल पहले से लॉक है पुर्तगाल में और जिन लोगों के पास कार्ड्स हैं और जो फैमिली वाले हैं, फैमिली अपॉइंटमेंट्स पूरे 2 से 3 हफ्ते में ओपन होने वाली है, आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें क्योंकि अभी आप लोग ही हैं, तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल इजी हो जाए, चीजें अपने मामूल पे आ जाएंगी। और अगर कोई इंसान आपको कहता है कि पुर्तगाल में अभी 5 लाख हो रही है तो फिलहाल नहीं हो रही, और प्लीज आप स्कैम से बचिएगा। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करने ही हैं, 5 लाख सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 88-89 में आप नहीं कर सकते, तो बाकी आर्टिकल चल रहे हैं, अगर आप स्टडी के ऊपर आते हैं या आपका स्टडी बेस के ऊपर रेजिडेंस कार्ड लेना है तो आप अवेल कर सकते हैं, फिर अगर आपकी हाईली स्किल प्रोफाइल है तो अभी आपका वही आर्टिकल काम कर रहा है फिलहाल, तो बाकी जो मेन आर्टिकल थे जिसमें सारे बंदे जाते थे वो फिलहाल क्लोज हो गया। आपको पता है कि पहले लोग किसी भी शेंजेन कंट्री का वीजा लेके पुर्तगाल में आ जाया करते थे और अपना रेजिडेंस कार्ड ले लेते थे,
तो अभी आजकल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर दोबारा इमिग्रेशन ओपन होती है तो जनाब इस कानून में वो बहुत बड़ी तब्दीलियां करेंगे, जिससे जो विजिट वीज़ा पे लोग आते थे उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि ये जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन अभी बंद हुई है, क्या यह ठीक हुआ है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हैं ऐसे, मोस्टली फैमिली वाले, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फैमिली अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी और रिन्यू की कार्ड की प्रॉब्लम होती थी और नए नए तरह के लोगों के मसाइल दरपेश थे। इस वजह से जनाब आप अपनी राय भी दीजिएगा कि अभी पुर्तगाल ने ये जो इकदाम किया है इमिग्रेशन बंद करके, चाहे टेम्परेरी हो या मुस्तकिल हो, लेकिन इमिग्रेशन तो अभी बंद हो गई, तो क्या ये इकदाम अच्छा था पुर्तगाल का? इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली सारे मुझे अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, और बंगाली भाई भी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। होप कि मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया होगा, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा रिप्लाई दे दूं या उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। अल्लाह हाफिज़।